हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ लौकी की सब्जी, जिसे मैं बहुत ही नए तरीका से बना के तैयार करूँगी। बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी आज ये लौकी की सब्जी रेसिपी बनके रेडी होने वाली है। तो लौकी की रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की लौकी की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लौकी की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लौकी को लिया है, जिसमें से मैं पूरा इस लौकी को नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आधे ही लौकी को मैं बना के सब्जी तैयार करूंगी। तो यहाँ पे चलिए मैं आधी लौकी को कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आधी लौकी को इस तरह से कट करके छील करके धुल करके ले लिया है। तो इस तरह से हमें लौकी को पीछे इसमें कट करना है। कट करके इसे अच्छे से 2-3 बार धुल के ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से पीछे इसमें कट करके 2 से 3 बार धुल के यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 मीडियम साइज की हरी मिर्च, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा। टमाटर अदरक मिर्च का मैं प्यूरी बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग लहसुन प्याज खाना पसंद करते हैं तो उसका भी पेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लहसुन प्याज को नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ टमाटर को ही ऐड करूँगी। तो चलिए टमाटर को कट करके इसका हम प्यूरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी बना के तैयार कर लिया है। अब इसे एक हम कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर रंगत के लिए, 1/2 छोटा चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच मिक्स गरम मसाला, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, वाले चम्मच से ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। अब सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ लौकी के साथ में बेसन मसाले हमारे अच्छे से कोट हो गए हैं। चलते हैं गैस की तरफ, लौकी की सब्जी को बना लेते हैं। तो फ्रेंड, लौकी की सब्जी बहुत ही नए तरीका से बना के तैयार करेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अब वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। गैस ऑन करके यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल में ही हम इस सब्जी को बना के तैयार करेंगे। अब कोट किए हुए लौकी को हम तेल के साथ ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ हम मीडियम पे कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम लौकी को 1 से 2 मिनट के लिए तेल के साथ भून लेंगे। लौकी की सब्जी आप लोग मेरे बताए अनुसार इस तरह से एक बार बना के खा लेंगे तो यकीन मानिए इसी तरह से आप लोग लौकी की सब्जी खाना पसंद करेंगे। लौकी ना खाने वाले भी भर भर के कटोरी इस सब्जी को खा जाएंगे, या मेरी गारंटी है। बहुत ही चटपटा टेस्टी इस तरह से सब्जी बन के तैयार होती है। यहाँ पे 2 मिनट हो गया है, हमारी सब्जी अच्छे से भून के तैयार हो गई है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। वापिस पैन में 2 छोटा चम्मच तेल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। फिर से तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो गया। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे। तेल के साथ हम कुछ तड़के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच ऐड करेंगे जवाइन। ये हमारे पेट और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सब्जी में हमारे अच्छे से फ्लेवर आएगा। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई, इससे भी हमारे सब्जी में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब सभी तड़के को हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। तड़के यहाँ अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसके साथ हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी को। सब्जी को चटपटा टेस्टी बनाने के लिए इसके साथ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच मिक्स गरम मसाला। ये घर का बनाया हुआ गरम मसाला है। अब सभी मसाले को हम अच्छे से प्यूरी के साथ में मिक्स करके इसे हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मेरे मसाले ऑलरेडी पहले से ही भुने रहते हैं, हमें ज़्यादा देर इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट मसाले को भून लिया है। अब मसाले के साथ हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मसाले को उबाल आने तक हम पका लेते हैं। मसाले में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक यहाँ हमें थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि लौकी के साथ मैंने पहले ही ऐड किया है। नमक को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मसाले के साथ हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए लौकी को। लौकी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को हम ढककर 5 से 10 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे।
10 मिनट हो गया है, यहाँ पे मेरी सब्जी कुक हो गई है। 10 मिनट के बीच में मैंने 5 मिनट पे सब्जी को चेक किया था, तो आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट में हमारी सब्जी लौकी की अच्छे से ये कुक हो गई है। बहुत ही चटपटा ग्रेवीदार मेरी ये सब्जी बनके रेडी हुई है बिना लहसुन प्याज का। आप लोग इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही चटपटा टेस्टी या बन के तैयार होती है। इस तरह से कलछी से दाबने के बाद चेक कर लेना है कि सब्जी हमारी कुक हो गई है कि नहीं कुक हो गई है। तो यहाँ पे लौकी अच्छे से टूट जा रही है, तो हमारी सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती। सब्जी के साथ हम धनिया की पत्ती को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ और सब्जी को मैं सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लौकी की सब्जी को बना के सर्व कर लिया है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी ग्रेवीदार मेरी लौकी की सब्जी बेसन के साथ बन के तैयार हुई है। तो आप लोग भी एक बार मेरे बताए अनुसार इस सब्जी रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इस सब्जी रेसिपी से आप लोग पूड़ी, पराठा, रोटी, दाल चावल के साथ सर्व करके खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी सब्जी या बन के तैयार होती है लौकी। लौकी की सब्जी ना खाने वाले भी उंगलियां को चाट चाट के खाएंगे। बहुत ही चटपटा टेस्टी या सब्जी बन के तैयार होती है, तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। फ्रेंड, अगर आज की मेरी लौकी की ग्रेवीदार सब्जी आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।